इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्रीमती सविता हरीश कुमार जैन अजमेरा, श्रीमती निमिषा प्रियंक जैन अजमेरा, श्रीमती अंकिता मयंक जैन अजमेरा, श्री शुभम जी, श्रीमती आस्था जैन, आदेश तीर्थ विशुद्धि, चंद्रा स्वीट्स, अशोका गार्डन, भोपाल। उसकी नाली कब कब साफ करते, एक बार माँ कितनी बार? मकान जिंदगी में एक ही बार व्यक्ति बनाता है, पर ध्यान रखना उस मकान की नाली वह प्रतिदिन और प्रतिदिन नहीं, सुबह शाम कम से कम साफ करता ही करता है। ऐसे कभी अपने आप को साफ करने का प्रयास किया? एक बार जिंदगी मिल गई, एक बार मकान बन गया, पर जो विषय कसाय जिसके कारण से मेरी नाली, मेरी इंद्रियां, मेरे विषय, मेरी आत्मा, मेरा मन चोक हो चुका है, बंद हो चुका है, उसे कभी स्वाध्याय के माध्यम से साफ करो ना। कल भी मैंने कहा था निर्ग्रंथ मुनिराज, एक नहीं दो नहीं चार चार बार अपने आप को, अपने मन को, अपने तन को, अपने आत्मा को साफ करने का प्रयास करते स्वाध्याय से। आप एक ही बार का नियम लो, एक ही बार का नियम लो, एक ही बार का नियम लो, कम से कम माँ 5 ही मिनट का नियम लो, मत लो 1 घंटे का। 5 मिनट भी पर्याप्त है आपके जीवन को बदलने के लिए, क्योंकि आँखों से पढ़ोगे तो आपका पूरा 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 कॉन्सेंट्रेशन वहाँ होगा। एक नहीं, 5ों इंद्रियों को वश करने का अगर पंचम काल में सर्वोत्कृष्ट कोई साधन है तो मात्र आगम का अध्ययन स्वाध्याय है। 5ों इंद्रिया, आँख आपकी लगी है उसको पढ़ने में, मन लगेगा उसका अर्थ करने में, वह आप जो उच्चारण करोगे उसको सुनने में कान लगे रहेंगे, बोलने के लिए जिह्वा है ही, फिर क्यों नहीं हम पढ़ने का, क्यों नहीं हम अध्ययन करने का पुरुषार्थ करते हैं? आज ध्यान करने वालों की तो संख्या बढ़ गई है, देख लेना, सर्वत्र ध्यान के पीछे आज लोग भाग रहे हैं, कहीं ये कहीं वो, दो दो नहीं चार चार घंटे वो दुकानदारी ऑफिस सब छोड़कर वह दूसरों के ध्यान करने के लिए जा रहे हैं, पर जब जहाँ ध्यान सिखाया जाता है वहाँ हमें आने की हिम्मत नहीं है। कैसे होगा ध्यान अगर ज्ञान ही नहीं है, अध्ययन ही नहीं है, आत्मा क्या है, पर क्या है, इसका बोध ही हमारे पास नहीं है, क्या ध्यान करोगे? नहीं, कुंद कुंद भगवान पंचम काल के ध्यान के बारे में आज कह रहे हैं। वे कहते हैं बाहर का ध्यान ये मात्र कोरा ध्यान हो सकता है, तुम्हें आत्र रौद्र में ही ले जाने वाला हो सकता है, अगर तुम्हारे पास आगम का ज्ञान नहीं है, आगम का तत्वों का निर्णय नहीं है तो क्या करे। एक साथ अनेक काम करने वाला ये स्वाध्याय अध्ययन है, आगम का ज्ञान प्राप्त करना है, पर कहाँ, विषय कषायों की नाली को साफ करने वाला यही ज्ञान है, ध्यान के लिए साधन बनने वाला यही ज्ञान है, क्योंकि ध्यान होता क्या है, चिंता का निरोध करते हुए एकाग्र हो जाना, यही तो ध्यान है, और यहाँ पढ़ रहे हैं यही तो हमारा ध्यान है। 1 घंटा भूख लगती है? 1 घंटा भूख लगती है? नहीं लगती। 1 घंटा प्यास लगती है? 1 घंटा बाकी के इंद्रिय विषय सताते हैं? नहीं। पहले आके बैठ जाओ तो फिर भी गर्मी लग जाएगी, पर विश्वास है जैसे ही जिनवाणी की धुन शुरू हो जाती है, ना भूख ना प्यास ना ठंडी ना गर्मी, क्यों? क्योंकि पंचम काल में अगर कोई ध्यान है, तो ये स्वाध्याय या अध्ययन ही पंचम काल में ध्यान है। मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं तो कुछ कहता ही नहीं हूँ मोदी जी, मेरे में ताकत ही नहीं है कुछ कहने की, बिल्कुल नहीं, मैं कुछ कह ही नहीं पाता हूँ, और मैं अगर कहने लग जाऊँगा तो शायद आप सुनने भी नहीं आओगे। मैं तो मात्र कुंद कुंद भगवान को और विशुद्ध सागर भगवान को आप तक पहुँचाने का प्रयास करता हूँ, मैं तो कुछ करता ही नहीं, कुछ भी नहीं करता हूँ। जो कुंद कुंद भगवान ने लिखा है 90 और 91 नंबर की गाथा में, वही मैं कह रहा हूँ। ये पंचम काल में अगर कोई ध्यान है तो वह ज्ञान है, अध्ययन है। 1 घंटा कहाँ चला जाता है पता चलता है? पता ही नहीं चलता, कहाँ शुरू हो गया और कहाँ पर खत्म हुए पता नहीं चलता। पर वही अगर कोई विपरीत कार्य में है या कष्ट के दिन है, दुख के दिन है, माँ एक एक मिनट भी मुश्किल से कटता है। पता चला क्या 7 दिन कैसे निकले? पता चला?
अशोक जी नहीं चला, नहीं चला, 7 दिन कैसे निकल गए पता नहीं चला। ऐसे ज्ञानियों निर्णय कर लो ना तो पर्युषण के 10 दिन भी घर परिवार मोबाइल छोड़कर कैसे निकल जाएंगे पता नहीं चलेगा, पर निर्णय नहीं है, पर निर्णय नहीं है, निर्णय नहीं है, दूसरों की व्यवस्थाओं में उलझे हैं। इनको व्यवस्थित करो, उनको व्यवस्थित करो, घर परिवार को व्यवस्थित करो, कभी कभी माँ अपने आप को भी तो व्यवस्थित कर लो, कभी अपने आप को भी तो व्यवस्थित कर लो। और अपने आप को व्यवस्थित करने के लिए एकमात्र साधन है, वह है अध्ययन, जिसे कुंद कुंद भगवान आज ध्यान कह रहे हैं। ये ढोंगी वालों, ढोंगियों का ध्यान तो मुझे पुसाता ही नहीं, जिन्हें समझ में ही नहीं आता कैसे ध्यान कर रहे। हाँ अनिल भाई, मैं सत्य कह रहा हूँ, बैठे ऐसे घंटों घंटों बैठे, जब भगवान ने कहा है आगम में लिखा है 48 मिनट से ध्यान होता ही नहीं है, और तुम 2 घंटे से बैठे हैं भगवान के सामने, सामने से व्यक्ति आ रहा है, भगवान का अभिषेक हो रहा है, जिन्हें भगवान को विराजमान कर रहे हैं, वह मुनिराज भी आ रहे जा रहे, पर ध्यान में बैठे भाई सब आंखें ऐसी, कैसा ध्यान, ये ढोंग चल रहा है। 48 मिनट अगर ध्यान हो जाए तो मोक्ष हो जाता है, और 2 घंटे से ध्यान कर रहे, हो ही नहीं सकता। कसायों का संक्रमण 48 मिनट में होगा, और कोई ना कोई कसाय वहां उदय में आएगी आएगी, तुम्हारा ध्यान हो ही नहीं सकता। ये ढोंग क्यों, पहले तत्वों का निर्णय तो करो, पहले तत्वों का निर्णय तो करो कि तुम्हें पता तो चले कि मैं ध्यान किसका कर रहा हूँ, किसके लिए कर रहा हूँ, ये पुण्य पाप है उपादे आदि का अगर निर्णय ही नहीं है तुम्हारे पास, तो किस लिए हाथ पर हाथ धरे रहना। शरीर को संभालना ध्यान नहीं है, शरीर को संभालना ध्यान नहीं है। मैंने एक बार कहा था, सर्कस याद है क्या, सर्कस में वे त्रियंश भी जोकर भी अपने आप को साध लेता है, अपने शरीर को साध लेता है। तुमने 1 घंटा बैठकर साध लिया अपने शरीर को, कौन सा बड़ा ध्यान किया, नहीं जरूरी, जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है। पुण्य की पाप की हे उपादेयता, आत्म तत्व की परम उपादेयता, इसका अगर निर्णय नहीं है तो तुम्हारा तुम्हारा ध्यान हो ही नहीं सकता। आचार्य भगवान माणिक नंदी स्वामी ने इसलिए कह दिया, हानोपादान उपेक्षाश तत्फलम, ज्ञान का अगर कोई फल है, प्रमाण का अगर कोई फल है, तो हान उपादान और उपेक्षा है। पढ़ना पढ़ना जरूरी है जिनेन जी, जितने ज्ञानी हैं अनिल जी, जीवन में एक बार परीक्षमक सूत्र अवश्य पढ़ लेना। परीक्षमक सूत्र में ग्रंथ में कह रहे ज्ञान क्या है, प्रमाण क्या है, और उस ज्ञान का फल अगर जीवन में कुछ है तो हान उपादान है और उपादे, किसे ग्रहण करना और किसे छोड़ना, ये निर्णय वह ज्ञान सम्यक ज्ञान ही करा सकता है, अन्य कोई नहीं, अन्य कोई नहीं, अन्य कोई नहीं। आज तक हमारे पास मात्र जानकारी है, इसलिए हम निर्णय नहीं कर पा रहे हैं कि सत्य क्या है, हेय क्या है, उपादेय क्या है। जानना सबको, जानना सबको है, 6 द्रव्य 7 तत्व 9 पदार्थ 85 काय, इन सबको जानते हुए परम उपादेय मैं हूँ ये निर्णय करना होगा, यही मेरे लिए उपादेय है ये निर्णय करना होगा, तभी तभी कुछ काम हो पाएगा। अन्यथा जैसे दूसरों की व्यवस्थाओं में आज तक जिंदगी निकल गई ना, आगे भी शायद दूसरों की व्यवस्थाओं में पूरी जिंदगी यूँ ही निकल जाएगी, यूँ ही निकल जाएगी। माँ एकाध पर्याय तो अपने लिए दे दो ना, मुझे नहीं चाहिए, आप अपने लिए एकाध पर्याय, एकाध पर्याय मैं कह रहा हूँ, एकाध पर्याय नहीं, एकाध पर्युषण ही देख कर प्रदूषण दूर करके देख लो, पर नहीं छूट पाता राग, कर्तृत्व भीतर बैठा है, ऐसा ठूस के बैठा है, मैं नहीं भोजन कराऊंगा तो भूखे मर जाएंगे। माँ भूल मत करो, हर व्यक्ति अपने पुण्य पाप से खाता है, आपके खिलाने से आपके कमाने से कोई ना खाता है न कोई जी पाता है, ये व्यर्थ का कर्तृत्व है सीमेंट, ये व्यर्थ का कर्तृत्व है। मैं ही नहीं रहूंगा तो बेटा क्या करेगा, अकेला कहाँ से व्यवस्था करेगा, कैसे भोजन होगा, ये सब विकल्प, सब विकल्प छोड़ दो। और वास्तव में अगर श्रद्धा है तो ये विकल्प भी दूर करने की व्यवस्था हो सकती है कि अगर आना है, पर जिनको आना ही नहीं है वो क्या कर सकते,
करने के लिए तो व्यवस्थापक पूरे तैयार है, पर व्यवस्थापक तैयार होने पर वह जिनके लिए कर रहे वे भी तो तैयार हो, पर बहाने हैं सो बहाने करते रहो। हाँ, बहुत सारों के बहाने, महाराज जी घर में अकेले ही है, हम चले जाएंगे तो घर वालों का भोजन कौन होगा, दुकानदारी कौन करेंगे। अरे इतने 5-10 हज़ार रुपये खर्च करके, जैसे बहुत सारे स्थानों पर व्यवस्थाएं चलती है, पिछली बार हम विदिशा में थे, वहाँ एक मंदिर में उन्होंने व्यवस्था कर ली थी मंदिर की तरफ से मोदी जी, कि जितने भी विद्यार्थी हैं, जितने भी बाहर के लोग हैं, जिनको शुद्ध भोजन चाहिए 10 दिन, तो 10 दिन उन्होंने पूरी शुद्ध भोजन की सुबह शाम व्यवस्था की थी। ठीक है, उन्होंने कुछ राशि रखी थी, ठीक है भाई, इतनी तो बाहर खर्च होगा, तो नॉमिनल राशि में अगर कहीं व्यवस्था बन रही तो कौन सी बुरी बात। पर ऐसी शायद उज्जैन में व्यवस्था कोई नहीं है, क्या करें, अब व्यवस्था ही नहीं है। सो बाहर से भी ठीक है, बाहर से पढ़ने वाले होते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं, उनके लिए फिर किसी का मुंह देखना पड़ता है। सोचो विचार करो, अपने आप को व्यवस्थित करने का प्रयास करो, पुनः जिंदगी में वह ज्ञान अध्ययन ध्यान आदि के निमित्त प्राप्त हो जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है। धन सब कुछ नहीं है, धन सब कुछ नहीं है, धर्म जीवन में बहुत कुछ है, उसको समझो, उसको प्राप्त करो, और धर्म से ही तुम्हारा ध्यान धर्म ध्यान हो सकता है। धन के पीछे ध्यान करोगे तो वह रौद्र ध्यान परिग्रहानंदी ही कहलाएगा। पढ़ो गाथाओं को, नहीं तो समय हो जाएगा, देखते दिन तो 7 दिन निकल गए, 7 दिन निकल गए, चतुर्मास भी छूट जाएगा, निकल जाएगा, पता नहीं चल जाएगा, देखते रह जाओगे। पढ़ लो गाथाओं को, 90 और 91 नंबर की दोनों गाथाओं को युगपथा में पढ़ना है, पढ़ते अक्षण में क्षण पंचे देहम कसायम पी तत्तो पंचमयाले पवन सार भाम कुचाहो। पावारंभण वित्ति पुण्यारंभे पौतिकर्णंबी राण धम्म झाणम जिन भणिदम सब जीवाणम। कितनी अच्छी बात कह रहे हैं, अक्षण अक्षयण मेव झाणम, अध्ययन ही ध्यान है। मैं नहीं कहता, लिखा है, पहला ही शब्द लिखा है, पहला ही पद लिखा है नंबर नंबर की गाथा में, अध्ययन ही ध्यान है। क्यों, पंचेद्य निगहम कसायम पी, विषय कषायों का निग्रह करने वाला, विषय कषायों के नाली को अगर साफ करने वाला कोई है तो वह सम्यक ज्ञान है, सम्यक ज्ञान है। पर सम्यक ज्ञान मात्र कानों का विषय बनाकर वह इंद्रियों का भोग मत बना लेना। बहुत सारों ने तो मात्र वह कानों का विषय बना लिया, इंद्रियों का भोग बना लिया, स्वाध्याय चाहे आंखों का हो चाहे कानों का हो, अरे किस लिए पढ़ रहे हैं, एक अंश तो जीवन में उतर आए। अगर उत्तर में नहीं आ रहा है तो तुम्हारा ज्ञान अभी सम्यक ज्ञान नहीं है, नहीं है, नहीं है। इसलिए विषय कषायों का निग्रह करने वाला ज्ञान ही अध्ययन ही ध्यान है। अगर हमारी कषाय ही नहीं छूटी है देवशास्त्र गुरु के पास आने के बाद भी, धिक्कार है, धिक्कार है, धिक्कार है। हम गुरु को भी मोदी जी लपेटना चाहते हैं, अभी तुम्हारी धर्म की क्रिया होती है, खोटी है, खोटी है, खोटी है। अभी अभी तुमने धर्म को और धर्म के मर्म को समझा ही नहीं है, नहीं समझा, लड़ रहे, झगड़ रहे हैं, क्या चल रहा है, क्या चल रहा है। जहाँ कर्मों की निर्जरा का स्थान था, तब तब देख के हृदय फूट फूट के ठेकेदार जी रोता है, हृदय फूट फूट के रोता है कि अरे एक धर्मात्मा अभी धर्म को समझ नहीं पा रहा है, धर्म की बात को लेकर और धर्म को लेकर वो लड़ रहा है, झगड़ रहा है। किस बात का धर्म और किस लिए धर्म की क्रिया,
किस लिए सोने के वस्त्र? कोई काम के नहीं, कोई काम के नहीं है, कोई काम के नहीं है। वो मात्र पत्थर के भगवान पर कलश ढालते रहना, धातु के भगवान पर कलश ढालते रहना, पर ज्ञान नीर से तुमने अगर अपने आत्मा का मन का अभिषेक नहीं किया है तो कोरा बाहर का अभिषेक करना कोई सार्थक होने वाला नहीं। कोई काम का नहीं है, कोई काम का नहीं। क्रिया छोड़ो मत, मैं तो खुश हो जाओ, बहुत अच्छा काम महाराज जी, हम कल से अभिषेक बंद कर दे, नहीं। हाँ पंचम काल है, काम की बात ले लेते हैं और बाकी की छोड़ देते हैं। महाराज ने कहा था उससे तो वो अच्छा, मतलब कहना का छोड़ना, छोड़ना कुछ नहीं है, छोड़ना किसी को नहीं, छोड़ना किसी को नहीं है। मात्र तरीकों को बदल दो, अपने भीतर अपने ज्ञान का अपने विवेक का अटेंशन रख लो। सावधान होकर क्रियाओं को करोगे ना तो नियम से क्रियाओं में बदलाव होगा ही। पर एक रूटीन जैसा काम हो गया है, खोल दिया ग्रंथ, पन्ने पलट लिए, आज 10 का टारगेट है, आज 50 का टारगेट है, एक महीने में ये ग्रंथ पूरा होना है, दो घंटे में हो गया, क्या है? टारगेट लेकर अध्ययन नहीं होता। स्कूल कॉलेज की तो पढ़ाई हो सकती है पर टारगेट लेकर आगम का अध्ययन हो ही नहीं सकता। जितनी बार पढ़ोगे ना उतनी बार नया 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 विषय आपको सुनने को समझने के लिए मिलेगा। पर हम सोचते ये ग्रंथ, अरे ये तो छड़ल हम पढ़ चुके, ये ग्रंथ ये तो कब का पढ़ चुके, ये तो हमें याद है। नहीं, जितनी बार सुनोगे, जितनी बार अध्ययन करोगे उतनी बार नया 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 कुछ विषय नया हमें प्राप्त होता रहता है। माँ दूध आता है आप लोगों के घर में? बोलो हाँ आता है। मक्खन भी निकलता है, घी भी बनता है। कैसे बनता है? क्या आपने उस दूध में घी को देखा नहीं? दूध में घी आपने दव्य दृष्टि से देखा नहीं, जाना नहीं, इसमें ही घी है। अभी घी ऊपर दिख नहीं रहा पर दूध में ही घी है, ये आप नहीं जानते? दूध से ही घी बनता है ये नहीं जानते? जबकि दूध में घी दिख नहीं रहा पर फिर भी दूध इसमें से ही घी निकलेगा, ये एक माँ जानती है। और जो जानती है वह अनेक अनेक प्रकार से उसे निकालने का प्रयास करती है। जानने से दूध निकलेगा? बोलो, जानने से दूध नहीं निकलेगा। और नहीं जानने से निकलेगा? नहीं जानने से भी नहीं निकलेगा और मात्र जानने से भी नहीं निकलेगा। जानने के बाद, मानने के बाद उसे वैसा पुरुषार्थ करना होगा, वैसी प्रक्रिया करने की आवश्यकता है, तभी जाकर वह मक्खन घी निकलता है। ऐसी ही विधि तो कागज में लिखी है, ग्रंथों में लिखी है, पर ग्रंथों में लिखी हुई विधि से मात्र काम होने वाला नहीं है, उसे जीवन में उतारना भी होगा, उसे जीवन में उतारना भी होगा। कभी निर्ग्रंथों के पास जाओ ना गोदा जी तो ग्रंथों की बात समझने के लिए मत जाना। हाँ आपको उल्टा लग सकता है जिनेन जी, कभी किसी निर्ग्रंथ के पास पहुंचो, कोई निर्ग्रंथ पहुंच जाए ना तो बिलाला जी उनके पास ग्रंथों की बात पूछने मत जाना, उनसे उनके निर्ग्रंथता की बात पूछ लो, वे ग्रंथों से ही निर्ग्रंथता की बात कह देंगे। ग्रंथों का ज्ञान करने तो पहुंच गए, अरे उनकी निर्ग्रंथता का ज्ञान ले लो, वह निर्ग्रंथ का ज्ञान ही ग्रंथों को द्वारा तुम्हें मिलने वाला था। पर क्या करें, हम प्रश्न तो लेके जाते हैं हमों कैसा कैसा, पर हम निर्ग्रंथता का अनुभव उनके शब्दों से आज तक ले नहीं पाए। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्रीमती सविता हरीश कुमार जैन अजमेरा, श्रीमती निमिषा प्रियंक जैन अजमेरा, श्रीमती अंकिता मयंक जैन अजमेरा, श्री शुभम जी, श्रीमती आस्था जैन, आदेश तीर्थ विशुद्धि, चंद्रा स्वीट्स, अशोका गार्डन, भोपाल।